हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द लेक्चर नंबर सेकंड ऑफ जीएसटी इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव कवर्ड द कंडीशंस फॉर रजिस्ट्रेशन तो हमने देखा कि किस बेसिस पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन होता है और क्या कंडीशंस फुलफिल करेंगे तो हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर लेना मैंडेटरी बन जाएगा तो वी हैव लर्न अबाउट द टू कंडीशन गुड्स के लिए हमने अलग कंडीशन पढ़े हैं एंड सर्विसेज के लिए भी हमने अलग कंडीशन पढ़े हैं वी हैव ऑल्सो लर्न अबाउट द स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स अभी उसी को प्रैक्टिकल क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं वो थोड़े सॉल्व कर लेंगे हर एक लेवल के एक एक क्वेश्चन को कंप्लीट करवाता हूँ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है सिर्फ आप इसमें रूल को अप्लाई करना ठीक है फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने द अनिल एंड कंपनी इज कैरिंग ऑन अ बिजनेस ऑफ सप्लाई ऑफ द गुड्स इन मुंबई तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि कंडीशंस में क्या कहा है कंडीशन में कहा है कि सप्लाई ऑफ द गुड्स तो अभी हम इसमें गुड्स का कंडीशन अप्लाई करेंगे गुड्स का लिमिट अप्लाई करेंगे सर्विस का लिमिट अलग है और ये बंदा कहा का है मुंबई का है द कंपनी स्टार्टेड बिजनेस ऑन सिक्स फेब्रुवरी 2020 ट्वेंटी इज टर्न ओवर ऑफ द गुड्स इज एज फॉलो तो आपके पास ये क्वेश्चन दिया है डेट का कॉलम है टैक्सेबल का कॉलम है एक्सपोर्ट का कॉलम है और एग्जेम्ट का कॉलम है तो ध्यान में याद रखना ये पॉइंट में टैक्सेबल uh, एक्सपोर्ट एक्सम्स इससे कुछ कंफ्यूजन नहीं है हमको सारे कॉलम्स प्रिपेयर करने हैं एंड वी नीड टू कैलकुलेट वो डिटरमाइन द डेट फ्रॉम विच अनिल एंड कंपनी इज लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन कौन से डेट से वो रजिस्ट्रेशन के लिए लाएबल होंगे देखो कैसे सॉल्व करना है सब कुछ मैंने करके रखा है ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए देखो कैसे सॉल्व करना है मेसर्स अनिल एंड कंपनी इज लाएबल फॉर रजिस्ट्रेशन इफ टोटल टर्न ओवर क्रॉसेस द प्रिस्क्राइब लिमिट ऑफ रूपीज फोर्टी लैक्स तो हमने पढ़ा था कि अगर गुड्स है तो गुड्स में लिमिट कितनी है गुड्स में लिमिट है 40 ,00 ,00. अगर उसका turnover, तो, 40 ,00 ,00 ,00 से जाएगा, तो उसे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी बन जाएगा देखो अभी कैसे कॉलम बनाने देखो कॉलम नंबर फर्स्ट सेकेंड और थर्ड और फोर्थ ये मैंने सेम टू सेम क्वेश्चन में से ही बनाया है ये क्या किया है हमने सेम टू सेम क्वेश्चन में से ही बना है एक इस एक्स्ट्रा कॉलम आप यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हो टोटल का लेकिन मैंने यहाँ पे टोटल का कॉलम प्रिपेयर नहीं किया है हमें करना क्या है जो हमारे क्वेश्चन में पॉइंट्स होंगे वो तो क्वेश्चन के पॉइंट्स को पहले सेम टू सेम कॉपी कर लेना है क्या करना है सेम टू सेम कॉपी कर लेना है फिर आपको करना क्या है देखो हमने कैसे इसको सॉल्व करना है काफी सिंपल है सो so, डेट का कॉलम मैंने पूरा क्वेश्चन में से लिख दिया टैक्सेबल रूपीज ऑल्सो द क्वेश्चन एक्सपोर्ट का कॉलम भी क्वेश्चन का है एग्जेम का कॉलम भी क्वेश्चन का ठीक है फिर आपको करना क्या है ये जो टैक्सेबल का कॉलम है इसको मैं ए मार्क करता हूँ समझो ए दिस इज एक्सपोर्ट का कॉलम बी दिस एग्जेम्ट का कॉलम सी फोर लैक्स ट्वेंटी एट थाउजेंड प्लस सिक्सटीन लैक्स ट्वेंटी फोर एट हंड्रेड प्लस फोर्टी टू थाउजेंड तो आपको आंसर मिलेगा ट्वेंटी लैक्स का तो तो हम में में करते थे cumulative frequency. वैसा ही concept है. है? तो मतलब क्या है? Starting में हमें सबको ऐड करना है फिर उसके बाद हमें दोनों ऐड करते जाना है देखो अब ये ट्वेंटी लैख नाइन्टी फोर एट हंड्रेड है तो आपको ट्वेंटी लैख नाइनटी फोर एट हंड्रेड के वैल्यू में ट्वेंटी लैख नाइन्टी फोर एट हंड्रेड के वैल्यू में क्या क्या प्लस करना है प्लस ये देखो सेकेंड का फोर लैख एट और सिक्सटी फोर तो इसमें क्या क्या प्लस करना है प्लस फोर लैख एट थाउजेंड प्लस सिक्सटी फोर थाउजेंड ठीक है क्रॉस क्रॉस प्लस करते जाना है मतलब ये वैल्यू में ये वैल्यू प्लस करनी है और ये वैल्यू प्लस करनी है तो हमें मिलेगा ट्वेंटी फाइव लैख सिक्सटी सिक्स एट हंड्रेड फिर ट्वेंटी फाइव लैख सिक्सटी सिक्स एट हंड्रेड में फाइव लैख सेवेंटी प्लस करना है एंड थर्टी थाउजेंड प्लस करना है तो ये वैल्यू मिलेगा थर्टी वन लैख सेवेंटी टू फिर थर्टी वन लैख सेवेंटी टू में फाइव लैख फोर्टी फोर प्लस करना है थर्टी टू प्लस करना है तो मिलेगा थर्टी सेवन लैखी एट एट हंड्रेड फिर थर्टी सेवन लैख फोर्टी एट एट हंड्रेड में थ्री लैख एटी फोर प्लस करना है ट्वेंटी फोर प्लस करना है फिर मिलेगा फोर्टी वन फिफ्टी सिक्स एट हंड्रेड इसके बाद मैंने किया नहीं क्यों नहीं किया बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो एरोमार्क्स में ये जो वैल्यू है दिस इज अबउ फोर्टी लैक्स इसके आगे का करोगे तो फॉर्मेलिटी है हमको तो मेन ये चेक करना है कि फोर्टी लाख ,00 से ऊपर कभी क्रॉस कर रहा है तो आप यहाँ पे अगर देख सकते हो वी हैव दर्टी वन लैख फिफ्टी सिक्स एट हंड्रेड तो ये जो अमाउंट है दिस इज मोर देन फोर्टी लैक्स ये कौन से मंथ में क्रॉस कर रहा है देखो ये कौन से डेट को क्रॉस कर रहा है नाइन्थ मार्च ट्वेंटी को क्रॉस कर रहा है को नाइन्थ मार्च 2020 को अनिल एंड कंपनी का एग्रीगेट टर्नओवर बिकॉज वो गुड्स सप्लाई कर रहे हैं तो 40 लैक्स ,00 का टर्नओवर कब क्रॉस कर रहा है नाइन्थ मार्च 2020 को इट इज़ क्रॉसिंग 40 लैक्स सिंस वी आर गेटिंग फोर्टी वन लैख तो जिस दिन को उसका टर्नओवर 40 फोर्टी ,00 के ऊपर जाएगा उसी दिन से वो बंदा लाएबल हो जाएगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए तो मैंने कंक्लूजन लिखा The total turnover process rupees 40 lakhs, hence Anil and company will be liable for registration on date likhna hai aapko 9th march twenty twenty. So this is the answer for your first question. I hope this is very simple. Only you have to prepare an extra column of cumulative. सिर्फ आपको का एक एक्स्ट्रा कॉलम प्रिपेयर करना है और फिर प्लस करते करते जाना है और फिर आपको ये आंसर मिल जाएगा दैट इज द पॉइंट और लास्ट में इसको कंक्लूड करना है कि वो बंदा कब से लायबल हो जाएगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए अगला क्वेश्चन देखते हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स का भी क्वेश्चन करवाता हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होगा सेकेंड क्वेश्चन दिनेश एंड कंपनी इन मणिपुर पर है ये मणिपुर आपको अगर पता होगा तो हमने डिस्कस किया है स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स का बंदा है तो ये आपको ध्यान रखना है जब भी आप रजिस्ट्रेशन के क्वेश्चन कैटेगरी तो में लिमिट अलग होती है ये भी गुड्स वाला ही बंदा है टैक्सेबल गुड्स दिया है कॉलम में देखो टैक्सेबल गुड्स और एग्जेम गुड्स तो तीन कॉलम आपको क्वेश्चन में दिए हैं और हमें यही फाइंड करना है फाइंड द डेट फ्रॉम विच दे आर लायबल टू पे टैक्स कौन से दिन से वो लायबल हो जाएंगे रजिस्ट्रेशन के लिए तो डेट का कॉलम टैक्सेबल गुड्स का कॉलम और एग्जाम गुड्स का कॉलम तो अब मैं आपको सोल्यूशन में लेके चलता हूं डायरेक्टली देखो किस तरीके से हमको करना है देखो सबसे पहले हम कंडीशन लिखेंगे दिनेश एंड कंपनी इज लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन इफ द टोटल टर्न ओवर प्रोसेस द प्रिस्क्राइब लिमिट ऑफ रूपीज ट्वेंटी लैक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आपने मणिपुर ध्यान से नहीं देखा फिर गलत हो जाएगा बिकॉज अभी हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको फोर्टी लैक्स बताया फोर्टी लैक्स तो नॉर्मल स्टेट्स के लिए है और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए कितना है ये फोर्टी लैक्स किसके लिए है नॉर्मल स्टेट्स के लिए और जो स्पेशल स्टेट्स है स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया है उसको एक बार रिवाइज कर लेना तो पे कितना है ट्वेंटी लैक्स है तो मणिपुर के लिए ट्वेंटी लैक्स तो कैसे आपको प्रिपेयर करना है देखो मैंने अभी यहाँ पे दो कॉलम एक्स्ट्रा बनाए ताकि गड़बड़ ना हो आपको भी कंफ्यूजन ना हो आप भी दो ही कॉलम एक्स्ट्रा बनाओ फर्स्ट कॉलम डेट है सेकेंड कॉलम टैक्सेबल गुड्स है थर्ड कॉलम एग्जेम्ट गुड्स है इतना जो कॉलम है ये आपको क्वेश्चन में दिया था क्वेश्चन में हमारे पास तीन कॉलम्स थे तो मैंने दो कॉलम एक्स्ट्रा बनाए एक है हमारा टोटल सप्लाई और एक है अभी देखो मैंने कैसे सॉल्व किया टैक्सेबल प्लस एग्जेम्ट नाइन लैख सिक्सटी प्लस वन लैख ट्वेंटी फोर इक्वल टू टेन लैख एटी फोर सिक्स लैख एटी प्लस वन लैख टेन इक्वल टू सेवन लैख टू लैख फोर प्लस इक्वल टू टू लैक ट्वेंटी ये जो टोटल का कॉलम भी मैंने यहां पे बनाया ताकि हमारा लास्ट क्वेश्चन में जैसा दो दो प्लस करना पड़ा वैसे प्लस ना करना पड़े सबको प्लस किया है हमने सिंपल चीज है टैक्सेबल गुड्स प्लस एक्जेमड गुड्स इक्वल टू टोटल सप्लाई ठीक है नाइन लैख सिक्सटी में वन लैख ट्वेंटी फोर प्लस किया हमें मिला टेन लैक एटी फोर ऐसे मैंने लास्ट तक सारे वैल्यूज को प्लस करके कैलकुलेट कर लिया नाउ वी विल बी प्रिपेयरिंग द क्यूमलेटिव देखो क्यूमलेटिव हमेशा फर्स्ट ईयर का फर्स्ट में सेम रहता है टेन लैक एटी फोर तो यहाँ पे भी मैंने टेन लैक एटी फोर लिखा अब आपको क्रॉस क्रॉस प्लस करना है टेन लैक एटी फोर प्लस सेवन लैक नाइन्टी इक्वल टू एटीन लैख सेवेंटी फोर एटीन लैख सेवेंटी फोर प्लस टू लैख ट्वेंटी इक्वल टू ट्वेंटी लैख नाइन्टी फोर ट्वेंटी लैक नाइन्टी फोर प्लस फोर लैक फोर्टी एट इक्वल टू ट्वेंटी फाइव लैख फोर्टी टू ऐसे आपको प्लस करते जाना है मैं मार्क कर देता हूँ ताकि बाद में आप इसको रिवाइज कर सके ध्यान से काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एक्स्ट्रा चीज सॉल्व की है Because, हमारा टर्न ओवर ट्वेंटी लैक्स के ऊपर कब जा रहा है, तो है एक्स्ट्रा तो नहीं कैलकुलेट करोगे ट्वेंटी मे टू थाउजेंड ट्वेंटी तो ये बंदा जो है कब से लाइबल होगा द टोटल टर्न ओवर क्रॉसस रुपीज ट्वेंटी लैक्स हेन्स दिनेश एंड कंपनी विल बी लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन ट्वेंटी 20 मे 2020 तो आपको इस तरीके से इसको सॉल्व करना है दिस इज द कंसेप्ट रिलेटेड विथ रजिस्ट्रेशन तो रजिस्ट्रेशन के क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं चलो तो ऑल एक पॉइंट सप्लाई का कर देंगे अभी सर्विस वाला सोहम एंड कंपनी इन पुणे इज अ सर्विस प्रोवाइडर ध्यान से काफी इंपॉर्टेंट सर्विस प्रोवाइडर तो सर्विस प्रोवाइडर है तो लिमिट अलग होती है अगर आप गुड्स का सप्लाई करते हो तो लिमिट अलग होती है तो ये भी सेम कैलकुलेट करो कब से लायबल होने वाला है तो ये सर्विस कब सर्विसेज का पॉइंट है तो सेम वे है ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं सिर्फ लिमिट का डिफरेंस मैंने यहाँ पे आपके सामने आंसर लिखा है देखो टोटल भी कॉलम कौल, सेम प्रिपेयर किया सिक्सटीन प्लस ट्वेंटी फोर इक्वल टू फोर्टी यहाँ पे ट्वेल्व ही है आएगा सिक्सटी प्लस फोर्टी इक्वल टू वन सर्विस के लिए लिमिट पहले ध्यान से समझो गुड्स के लिए लिमिट चालीस लाख सर्विस के लिए लिमिट कितनी है ट्वेंटी लैख्स रजिस्ट्रेशन के जो भी रूल्स है जो मैंने आपको एक चार्ट फॉर्मेट में सिखाए थे वो अपने बुक्स में ध्यान से लिख लेना काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है अगेन द टोटल कैलकुलेट करने के बाद फर्स्ट ईयर में क्यूमु सेम ही आता है इक्वल टू फिफ्टी टू फिफ्टी टू प्लस वन लाख इक्वल टू वन लैख्टी टू वन लैख फिफ्टी टू

फोर्टींथ जून ट्वेंटी ट्वेंटी तो कब से लाइबल हो रहे हैं फोर्टींथ जून ट्वेंटी ट्वेंटी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट तो वी हैव सोल्व थ्री टाइप्स ऑफ क्वेश्चन नंबर वन रिलेटेड टू गुड्स नंबर सेकेंड रिलेटेड विथ गुड्स एंड स्पेशल कैटेगरी एंड नंबर थर्ड रिलेटेड विथ सर्विसेजेस तो दैट सेम दिस वीडियो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे थैंक यू ऑल ऑफ यू बाई बाय टेक केयर